आज हम बात कर रहे हैं बेटा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं अभी के टाइम पे, जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आ रहा है उनकी निगेटिव मार्किंग, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जिससे वो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं। तो 5 पॉइंट पे बात करूंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 101% आप जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं उससे निजात पा जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब कभी भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो रीड क्वेश्चन इन फ्रेगमेंट्स, उस क्वेश्चन को फ्रेगमेंट में पढ़ना है और एंड तक पढ़ना है। फ्रेगमेंट में पढ़ने से आपको ये पता चलेगा व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो आस्क क्या कर रहा है। अगर एक बार में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपको कई बार जो लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट जो कि बायोलॉजी में आते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको फ्रेगमेंट्स में करोगे तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन की आस्किंग को पकड़ पाओगे। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन द क्वेश्चन, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें यूनिट्स को ध्यान में रखना है, क्या पूछा है, किस क्या ये यूनिट को कन्वर्ट तो नहीं करना है, तो प्रॉपरली सॉल्व करें क्वेश्चन को। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, एलिमिनेशन ऑफ अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन एलिमिनेशन, दिस इज द एलिमिनेशन ट्रिक व्हिच आल्सो वर्क इन मेनी क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं, एलिमिनेट करें ऑप्शन को, अगर 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता है इसमें से 2 गलत है तो उसको पहले ही हटा दें और जो 2 ऑप्शन बचे उस पर देखें कि कौन सा सही है, तो आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी ऑप्शन पढ़े तो पहले ही ऑप्शन करके टिक नहीं मारना है, चारों के चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेना है हमको। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो स्पॉट मार्क ऑन ओएमआर, ओएमआर जब आप भरते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं, एक साथ ओएमआर फिल करते हैं, तो आंसर अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी सीक्वेंस से 10 से 15 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, उनके गलत हो जाएंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें छोटा सा स्पॉट लगा दें आंसर पे ओएमआर को, ताकि जब आप उसको भर रहे हो ताकि आपसे गलती ना हो। क्योंकि हर पेपर में अगर मैं बात करूं आपके लगभग, अगर हम बात करें बेटा 30-40 मार्क्स की आप क्या करते हैं, निगेटिव मार्किंग करते हैं, तो इससे आपके ये मार्क्स अगर ऐड हो जाते हैं टोटल ओवरऑल मार्क्स में तो आप 100% इंप्रूव कर जाएंगे रैंक में भी और मार्क्स में भी।